राजधानी शिमला के लोकल बस स्टैंड की ये तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं, और यही कारण है कि अब लोकल बस स्टैंड के ऊपर जो वाहनों की आवाजाही है वो अब एक एक करके वाहनों को यहाँ से निकाला जा रहा है, क्योंकि ये बड़ा लैंडस्लाइड यहाँ पर हुआ है। हालांकि कंस्ट्रक्शन वर्क यहाँ पर चला हुआ था और वॉल लगाई जा रही थी, दीवार लगाई जा रही थी कंस्ट्रक्शन वर्क के बाद, लेकिन क्योंकि काम अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया था, और ये आप देख सकते हैं जो बाकी भी वॉल बची हुई है वो लटकी हुई है, और ये भी कभी भी गिर सकती है अगर तेज़ बारिश होती है, जिस प्रकार के अनुमान भी आज है बारिश का। और अगर ऐसी बारिश होती है तो फिर जो बची हुई दीवार है ये भी गिरने का खतरा बना हुआ है। फिलहाल यहाँ पर गुरुद्वारे के बिल्कुल समीप में हम मौजूद हैं और यहाँ पर ये दीवार गिरी हुई है, और अभी एक एक करके वाहनों को यहाँ से निकाला जाता है। हालांकि सुबह का वक्त है, धीरे धीरे जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे वाहनों की आवाजाही यहाँ अधिक होगी और ख़तरा रहेगा, फिर ट्रैफिक जाम का अंदेशा यहाँ पर ज़रूर जताया जा सकता है। और ये करीब 9:30 बजे आप देख सकते हैं इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर मलबा गिरा है लैंडस्लाइड का, काफ़ी संख्या में। और अब ये जो बची हुई स्पेस है ये भी दीवार है, ये देख सकते हैं आप, ये टूटने के कगार पर यहाँ पर है। कभी भी बारिश के बाद ये जो दीवार है, क्योंकि हवा में टंगी हुई है पूरी तरह से, ये भी गिर सकती है। और साथ में जहाँ पर तरपाल कवर किया गया है यहाँ पर क्रैक्स आए हुए हैं, यहाँ पर भी बाकी सड़क का हिस्सा है, इसके गिरने का खतरा बना हुआ है। और अगर आज मौसम की बात करें तो ज़रूर आसमान में बादल छाए हुए हैं और आज भी बारिश होने का पूर्वानुमान भी मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से भी है, और लग भी रहा है कि जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है कि बारिश आज भी होती है, और अगर ऐसे में तेज़ बारिश होती है तो फिर जो बचा हुआ हिस्सा है ये भी गिर सकता है, और अगर ऐसा होता है तो फिर शिमला वासियों को ज़रूर दिक्कत झेलनी पड़ सकती है। जो राजधानी शिमला में बाहर से लोग आएंगे उनको भी दिक्कत झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि जो लोकल शिमला को कनेक्ट करने वाला सर्कुलर रोड है यहाँ पर वाहनों की आवाजाही बंद हो जाएगी। अब सड़क का दृश्य भी आपको दिखाएंगे किस प्रकार से वाहनों को निकाला जा रहा है। रात से ही यहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात हैं और ट्रैफिक नियंत्रित कर रहे हैं, लेकिन जब बड़ी संख्या में यहाँ पर वाहन आएंगे तो फिर ज़रूर दिक्कत हो सकती है, और बड़ी संख्या में यहाँ पर वाहन फंस सकते हैं, ट्रैफिक जाम लग सकता है। और ये देख सकते हैं आप किस प्रकार से क्रैक्स जो बाकी हिस्सा है उसमें भी आए हैं, और ये जो दीवार है अब देखना होगा कि कब तक ये भार सह पाती है, या फिर क्योंकि आजकल के दिनों में कंस्ट्रक्शन वर्क करना थोड़ा मुश्किल ज़रूर है जिस प्रकार से लगातार बारिश चली हुई है, तो ऐसे में जो बाकी हिस्सा भी है जहाँ पर आप देख सकते हैं लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर भी खतरा बना हुआ है, यहाँ पर भी लैंडस्लाइड हो सकता है, तो काफ़ी मुश्किल अब आने वाले दिनों में हो सकती है शहरवासियों के लिए जब तक यहाँ पर रिटेनिंग वॉल ये नहीं लग पाती है। ये जो कंस्ट्रक्शन वर्क है ये शायद अगर थोड़े समय पहले शुरू कर दिया होता या रिटेनिंग वॉल थोड़ा समय पहले लग गई होती तो शायद आज ये दिक्कत नहीं झेलनी पड़ती, लेकिन अब बारिश के बाद देर शाम को रात को ये यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है, और इसके कारण जो शिमला में ट्रैफिक की दिक्कत है वो अब ज़रूर शहरवासियों को झेलनी पड़ सकती है लंबे समय तक, जब तक यहाँ पर रिटेनिंग वॉल नहीं लगती है। और अगर जैसा मौसम विज्ञान का प्रेडिक्शन है आने वाले 4 से 5 दिन भारी बारिश पूरे प्रदेश में होने वाली है, ऐसी स्थिति में कब तक यहाँ पर रिटेनिंग वॉल लगती है, या फिर जो बचा हुआ दीवार का हिस्सा है क्या ये रुक पाता है, ये भी बड़ा सवाल अब सामने है। ये देखिए अब यहाँ पर ये दिक्कत है जो तो झेलनी पड़ेगी शहरवासियों को यहाँ पर इस लैंडस्लाइड के कारण। जो सड़क पहले डबल लेन थी अब ये सिंगल लेन हो गई है। अब जैसे ही एक तरफ से बड़े वाहन आते हैं, खासकर अगर बसों की बात करें, तो फिर दूसरी तरफ से वाहन का क्रॉस होना पॉसिबल नहीं है, और ऐसे में फिर लंबी कतार लग सकती है
यहाँ पर वाहनों की पूरा दिन ट्रैफिक जाम रह सकता है। और क्योंकि अभी भी खतरा बना हुआ है, अगर यहाँ पर देखें जिस प्रकार से कवर अप किया गया है, क्रैक्स यहाँ पर ज़रूर आए हैं। बाकी जो सड़क का बचा हुआ हिस्सा है उसमें भी क्रैक्स आए हुए हैं, इसी कारण से बैरिकेडिंग पुलिस की तरफ से की गई है। तो अब इसके बाद अब दिक्कत यहाँ पर झेलनी पड़ सकती है शहरवासियों को। और उम्मीद यही है कि अगर बाकी लैंडस्लाइड ना हो, सड़क टिकी रहे, तो फिर ज़रूर यहाँ पर देखा जाएगा, ज़रूर यहाँ पर मेंटेन हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल के लिए यहाँ पर दिक्कत ज़रूर बनी हुई है प्रशासन के लिए भी और स्थानीय लोगों के लिए भी। और ये आप देख सकते हैं, ये वो टैपरीगिरी है, ये मलबा है, पूरा सड़क के हिस्से यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। ये रात को करीब 9 बजे यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है, देख सकते हैं। और इस प्रकार के हालात से अब यहाँ पर शहरवासियों को और शिमला आने वाले लोगों को गुजरना पड़ सकता है। बड़ा लैंडस्लाइड यहाँ पर रात को हुआ है, कंस्ट्रक्शन वर्क दरअसल यहाँ पर चला हुआ था, और जिसके बाद यहाँ पर जो है तो अब सड़क का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया है। और अभी भी जो बाकी हिस्सा है वो खतरा बना हुआ है। हालांकि सुबह का वक्त है, लेकिन अब इस प्रकार से वाहनों की लंबी कतारें लगना शुरू हो गई है। हालांकि प्रशासन की मुस्तैदी भी देखी जा सकती है। अब जो यहां पर इसके साथ बिल्कुल जो इलेक्ट्रिसिटी पोल है वो पूरी रात यहां पर विद्युत सप्लाई बंद रही, और उसका कारण ये था कि ये जो खंबा है यहां पर, ये भी खतरे के जिद में है, और कभी भी यहां पर भी लैंडस्लाइड हो सकता है। जिसको देखते हुए अब आप देख सकते हैं यहाँ VIP मूवमेंट्स है, लेकिन हालात इस प्रकार के बने हुए हैं कि यहाँ पर लंबा ट्रैफिक जाम यहाँ पर लग रहा है। और सुबह का वक्त अब, हालांकि अभी है, तो दिन में धीरे धीरे जब ट्रैफिक बढ़ेगा तो फिर और दिक्कतें शहरवासियों को, तमाम लोगों को झेलनी पड़ सकती है। गवर्नर राज्यपाल हिमाचल प्रदेश वो इस वक्त अभी यहाँ मूव कर रहे हैं, लेकिन काफ़िला भी जाम में फंसा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो अभी क्योंकि सुबह का वक्त है, वाहनों की आवाजाही कम होती है। अब वन वे यहाँ पर किया गया है, पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। शाम 9:30 बजे से ही यहाँ पर लगातार पुलिस के जवान मुस्तैद हैं। DC यहाँ पर शाम को पहुँचे थे, क्योंकि शहर के बीचों बीच का ये हिस्सा है। और अब पूरी रात यहाँ पर, क्योंकि जो दीवार यहाँ पर गिरी है ये आप देख सकते हैं, इससे अब जो टंगा है ये भी गिरने वाला है और किसी भी वक्त गिर सकता है, और इसके ऊपर पोल लगा हुआ है। तो ये जो स्थिति यहाँ पर बनी हुई है ये अब ज़रूर चिंताजनक है। जिस प्रकार से, हालांकि सिंगल एक एक करके वाहनों को निकाला जा रहा है, पहले एक तरफ से फिर दूसरी तरफ से, लेकिन धीरे धीरे जब ट्रैफिक व्यवस्था यहाँ पर ज़रूर चरमरा सकती है, जैसे जैसे यहाँ पर धीरे धीरे वाहनों की आवाजाही बढ़ती जाएगी। और पूरी रात यहाँ पर विद्युत सप्लाई पूरे इलाके में बंद रही, क्योंकि जो पोल हैं, इलेक्ट्रिसिटी पोल हैं, वो भी लैंडस्लाइड की जद में है। और अब यहाँ से जो लाइनें हैं उनको काटा जा रहा है, विद्युत लाइनों को काटा जा रहा है, ताकि सप्लाई को सुचारू किया जा सके। सिर्फ इस हिस्से की सप्लाई जब दोबारा से कोई व्यवस्था हो सके पोल की, फिर इस हिस्से की जो विद्युत सप्लाई है उसको सुचारू किया जा सके। ये देखिए अब जाम है, दूसरी तरफ के वाहनों को रोकना पड़ रहा है, एक तरफ से वाहन जा रहे हैं। तो ये यहाँ पर स्थिति बनी हुई है। और जो बचा हुआ हिस्सा सड़क का है वो भी ज़रूर दिक्कत में है। और मौसम जिस प्रकार से बना हुआ है